यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज की वीडियो में लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं क्रिकेट 24। जैसे कि आपको पता है कि भाई लास्ट टाइम हम लोगों ने मतलब एक सीरीज क्रिएट की थी, तो 4 T20 भाई उसके खेल लिए हमने, तो चारों के चारों भाई हम जीत गए। तो आज लास्ट T20 है, तो देखते हैं भाई कि ये भी हम जीत पाते हैं या नहीं और कैसे जीतते हैं। ओके, न्यूजीलैंड भाई टॉस जीत गए, देखते हैं भाई हमें बॉलिंग मिलती है बैटिंग। ओके, तो भाई उनने बैट डिसाइड किया, तो इसका मतलब हमारी बॉलिंग आ गई है। तो अभी देखते हैं कि भाई हम कितने रन ये बना सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो मैंने पिछले 2 T20 में देखा है तो ये बहुत काफ़ी कम रन बनाते हैं भाई, तो बहुत इजी होता है मतलब चेस करने के लिए। तो आज मैंने डिफ़िकल्टी भी भाई बॉलिंग की हार्डेस्ट की हुई है, और बैटिंग और फील्डिंग और जो एक और चीज़ होती है उसकी मैंने हार्ड की हुई है। बाकी आपको मैं दिखा देता हूँ, लेजेंड पे मैंने रखी हुई है। तो भाई फर्स्ट बॉलिंग आई है अपनी, तो रुको आपको सबसे पहले भाई मैं डिफ़िकल्टी दिखा देता हूँ। यार भाई आप ऐसा भरोसा ना करो भले, तो आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ से। तो ये रही डिफ़िकल्टी, तो ये देखे भाई लेजेंड पे नहीं है, तो इसको हम यहाँ से लेजेंड पे भी कर देते हैं। बैटिंग भी हार्ड रखी हुई है, बॉलिंग भी और फील्डिंग भी हार्ड रखी हुई है, तो ये यहाँ से हम लेजेंड कर दी भाई। ये देखे आपके सामने ये लेजेंड कर दी है। तो बाकी अगर कोई मतलब सिक्स विक्स लगेगा मैं आपको तब भी दिखा दूंगा, नहीं तो आप सोचोगे भाई कि इसने डिफ़िकल्टी ईजी कर दी भाई। तो आपको साथ साथ मैं दिखाता भी रहूँगा भाई। ओके, तो भाई फर्स्ट बॉल है यार, ओ भाई साहब लेग साइड पे खेला, फील्डर आया तो दौड़ जाएगी भाई, फर्स्ट बॉल दौड़ गई है यार, प्रेशर। ओके, तो भाई सेकंड बॉल है भाई साहब, लोफ्टेड कर दिया और ये 4 रन की हुई है डिफिकल्टी, तो अब तो पड़ेंगे भाई रन हमें। तो भाई साहब सेकंड बॉल पे लोफ्टेड कर दिया, फील्डर के ऊपर से निकाली थी 4 रन। ओके, तो भाई साहब लास्ट बॉल है ओवर की, फील्डर ने पकड़ लिया, एज निकली थी यार, कैच क्यों नहीं निकल रहा भाई। ओके, तो भाई हारिस राउफ आ गए हैं, जी निकला था भाई, कैच क्यों नहीं हुआ यार, ओ भाई कैच था, आउट क्यों नहीं दिया यार भाई, रुको यार रिप्ले चेक करते हैं हम। ओके, तो यार मुझे तो लग रहा है भाई आउट था यार, भाई चेक करते हैं, रुको चलो, अगर आउट हुआ ना भाई अंपायर को मैं छोड़ूंगा नहीं। ओके, तो भाई आई थिंक मेरे ख्याल में नीचे लगा, लेकिन रुको चेक कर लेते हैं भाई, कन्फर्म कर लेंगे भाई फुल। ओके, तो भाई आई थिंक लगा है यार नीचे, देखो यहाँ पर लगा है नीचे भाई, नीचे लगी है, नॉट आउट है। ओके, तो हारिस रऊफ की लास्ट बॉल है, लोफ्टेड कर दिया भाई, ये जा रहा है बाउंड्री के पास और 1 बाउंस 4 भाई, शुक्र है बच गए हैं यार, 6 नहीं हुआ, नहीं तो जितना करीब था भाई 1 बाउंस 4 हुआ है यार भाई। ओके, तो भाई साहब शहीन को सेकंड बॉल पे लोफ्टेड कर दिया है भाई, फर्स्ट बॉल पे 4 रन आए थे और सेकंड पे जा रहा है 6 भाई, फुल अग्रेसिव खेल रहे हैं भाई, हार्डेस्ट डिफिकल्टी रखेंगे तो यही होगा भाई, 2 बॉलों पे 10 रन मार दिए हैं, क्या लोफ्टेड किया था। ओके, तो भाई फिर से हारिस रऊफ आ गए हैं और ये आई थिंक फील्डर है, ओ भाई बॉल लेके बाउंड्री में घुस गया यार, फर्स्ट बॉल पे ऐसा स्टार्ट, इस बार फुल लेंथ इन स्विंग डाली थी भाई साहब, इस बार ज्यादा गैप में खेला और फील्डर काफी दूर है, तो भाई ये भी 4 रन मिल जाएंगे यार इस ओवर में, तो भाई 3 चौके आ गए हैं यार, सही धुलाई हो रही है। ओके, तो भाई साहब इस बार नसीम शाह को लगा दिया है, ओ भाई दौड़ फर्स्ट बॉल ही दौड़ गई नसीम शाह, वेल इस बार गुड लेंथ आउट स्विंग डाली थी भाई साहब, लोफ्टेड कर दिया है यार, ये भाई लोफ्टेड काफी कर रहे हैं, मतलब हार्डेस्ट डिफिकल्टी की है, तो इसमें ये हो रहा है कि भाई ज्यादातर ये लोफ्टेड शॉट खेल, इस बार फुल लेंथ आउट स्विंग बॉल डाली थी भाई साहब, रिलीज में थोड़ा वीक हुए हैं यार भाई, 4 रन मिल जाएंगे, अच्छा ड्राइव किया था भाई, तो भले सामने वाली टीम है भाई लेकिन अच्छा ड्राइव किया था शॉट, 50 पार्टनरशिप। ओके, तो भाई साहब लास्ट बॉल है यार ओवर की, और ये भी ड्राइव कर दिया भाई, लास्ट बॉल पे भी नहीं छोड़ा भाई, लास्ट बॉल पे भी 4 रन मार दिए, इस ओवर में भी आई अच्छे खासे रन आ गए हैं यार। ओके, तो भाई साहब फिर से नसीम शाह और ये फिर लोफ्टेड कर दिया यार भाई, लोफ्टेड शॉट बहुत खेल रहे हैं भाई, और मतलब अभी जिस हिसाब से चल रहे हैं तो मुझे लग रहा है 200 से प्लस होगा, विकेट ही नहीं मिल रही यार भाई, और ये भाई फिर से ड्राइव कर दिया और ये 4 रन जा रहे हैं, 76 रन हो गए हैं, लेकिन यार एक भी विकेट नहीं दी भाई, और 10 के रन रेट से खेल रहे हैं भाई। ओके, तो यार सामा मीर को लगा दिया भाई सेकंड बॉल, ओ भाई अपील की है यार, आई थिंक आउट है, अंदर की तरफ बॉल जा रही थी भाई, ओ भाई गुगली डाली थी आई थिंक अंदर की तरफ, रिव्यू लेते हैं यार भाई, चांस तो लेना चाहिए, रिव्यू कहाँ घर लेके जाऊंगा मैं, तो यहाँ यूज़ करने हैं, तो भाई आई थिंक मेरे ख्याल में आउट है यार, लेकिन जैसे मतलब गुगली अंदर की तरफ हुई है तो आई थिंक आउट ही होगा, ये देखे ओ भाई अंपायर्स कॉल यार, ये अंपायर्स को मैं छोड़ूंगा नहीं भाई, ये देखे यार अंपायर्स कॉल हुआ है भाई, अगर ये आउट दे देते तो आउट ही होता भाई, क्योंकि अंपायर का फैसला नॉट आउट था, नॉट आउट। ओके, तो भाई साहब थर्ड बॉल है और ये बोल्ड भाई, कर लो जो करना है भाई, विकेट तो ऐसे भी मिल गई हमें, कोनवे को आउट कर दिया भाई,
क्लीन बोल्ड यार, वेल प्लेड भाई, क्या विकेट ली है भाई। ओके तो आमिर जमाल को लगा दिया, लोफ्टेड कर दिया लेग साइड पे भाई, फील्डर नीचे है, वो फील्डर आगे आ गया, वो भाई पीछे हो के कैच पकड़ना था यार, फील्डर आगे आ गया, देखना यार अभी। ओ भाई यार ये क्या, वो देखो फील्डर आगे आ गया था। ओके तो भाई साहब सामा मीट फिर से आ गए हैं, स्ट्रेट पे खेल दिया बढ़ के यार, कैसा प्यारा शॉट खेला था भाई, शॉट ऑफ द वीडियो है यार, कैसा बढ़ के शॉट खेला था, उसका तो रिप्ले देखना बनता है भाई, तो देखना यार कैसे, मतलब ये चेक करो यार, वेल प्लेड। ओके तो भाई लास्ट बॉल है सामा मीर की, लेग साइड पे खेला और फील्डर नीचे, भाई कैच का चांस है, और भाई ये सीधा सीधा कैच था यार, इस पे तो जॉक स्टिक भी नहीं हटाने की जरूरत थी भाई साहब, विकेट मिल गई, दूसरी विकेट भाई सामा मीर को मिली है यार। सामा मीर भाई अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, पिछले T20s में भी भाई अच्छी विकेटें ली थी, एक दो तो ली थी। ओके तो भाई साहब फिर से आमिर जमाल को लगा दिया, और भाई और ये आउट है, ओ भाई आउट दे, ओ भाई साहब आउट हो गया यार भाई, कैसी आज निकली थी, अगर अपील ना करता तो भाई आउट भी ना मिलता यार भाई, क्या कैच था भाई, आउट हो गया यार। चलो आमिर जमाल को भी भाई फर्स्ट विकेट मिल गई है यार, वेल प्लेड भाई, चेक करो कैसा कैच किया, ओ भाई साहब कैच चेक करो यार भाई, क्या कैच किया है। ओके तो फिर से सामा मीर आ गए हैं, और इस बार भाई गैप शॉट खेला है फील्डर के पास से निकल के भाई, 4 रन यार, क्या हो रहा है भाई हमारे साथ, फील्डर के पास से निकल के और कैसा प्यारा शॉट खेला था। ओके तो भाई साहब लास्ट बॉल आई थिंक ओवर की, तो लेग साइड पे खेला है, और ये भाई फिर से बाउंड्री में लेके घुस गए बॉल, क्या कर रहा है यार, बॉल लेके बाउंड्री में क्यों घुस जाता है। ओके तो भाई आमिर जमाल का क्या स्पेल चल रहा है, ये 4 रन पड़ गए, लेकिन यार कोई बात नहीं भाई, फिर भी तीसरा ओवर चल रहा है, 15 रन और अभी 19 हुआ है भाई, 19 रन दिए थे। ओके तो भाई सामा मीर फिर से आ गए, लास्ट ओवर है, कैच है नीचे भाई, फील्डर है, लेकिन 6 रन भाई यार, ये क्या हो रहा है, कैच का चांस तो मुझे लग रहा है मुश्किल है, क्योंकि पावर हिटर्स आ गए। ओके तो सामा मीर की लास्ट बॉल है भाई, आप लेग साइड पे खेल दिया है, गैप शॉट है, ओ भाई फील्डर दूर रह जाएंगे यार, 4 रन मिल गए हैं भाई, तो यार फिर भी अच्छी बॉलिंग की है भाई, 100 ओवर में 7 रन और ये 4, 11 रन आए हैं भाई। ओके तो भाई साहब आमिर जमाल का आई थिंक लास्ट स्पेल है, तो देखते हैं भाई, और ये 6 रन जा रहे हैं यार, फील्डर काफ़ी दूर रह गए हैं, अगर होते भी तो आई थिंक कैच करने का चांस शायद नहीं होता, क्योंकि दूर की बॉल। ओके तो नसीम शाह को लगा दिया भाई साहब, लोफ्टेड कर दिया है, फील्डर नीचे है, देखते हैं भाई कि कैच हो पाएगा नहीं। ओके तो यार बाउंड्री से काफ़ी दूर है भाई, आई थिंक 6 रन चले जाएंगे यार भाई, नसीम शाह की भी दिलाई शुरू हो गई है यार भाई। ओके तो भाई साहब शाहीन आ गए हैं, तो ये भाई फील्डर के पास से निकल गई भाई, 4 रन यार, स्ट्रेट ड्राइव कैसी प्यारी खेली थी, 4 रन मिलेंगे भाई, ग्रैंड फिलिप्स तो ऑन फायर हो गए। ओके तो इनिंग का सेकंड लास्ट ओवर है भाई साहब, ड्राइव कर दिया है आई थिंक, सो फील्डर पहुंच पाएंगे नहीं, ओ यार फिर से बाउंड्री में लेके घुस गए भाई फील्डर, हमारे टार्जन है यार। ओके तो लास्ट ओवर है भाई, ग्रैंड फिलिप्स को भी 1 रन चाहिए 50 के लिए, लेग साइड पे खेल दिया, तो आई थिंक 1 रन मिल जाएगा, और भाई इसी के साथ मुझे लग रहा है ग्रैंड फिलिप्स की भी 50 हो गई है भाई, तो अच्छी इनिंग खेली थी भाई, मतलब काफ़ी छक्के मारे, 2 छक्के और 4 चौके मारे। क्योंकि इस बार गुड लैंड स्लो बॉल करवाई थी भाई साहब, क्या विकेट मिली है, और क्या भाई लेग साइड पे फ्लिक करने की कोशिश की थी, लेकिन भाई सीधा विकेटों में जाके बॉल घुसी, ओ भाई साहब एक किले ऊपर ही और एक उड़ गई है भाई साहब, डेविल मिचेल को आउट कर दिया और मार्क चैंपियन आ गए। ओके तो भाई साहब सेकंड लास्ट बॉल है, और ये ड्राइव कर दिया भाई, ये भी 4 रन है भाई, लेग साइड पे 4 रन निकाले हैं भाई, तो ओके तो लास्ट बॉल है इनिंग की भाई, ड्राइव कर दिया है और ये गैप शॉट जा रहा है, तो आई थिंक फील्डर पहुंच जाएंगे भाई, तो 2 रन आएंगे, और भाई 190 का आई थिंक टारगेट बन रहा है, हाँ क्योंकि 101 कम 90 बनाया, तो भाई 190 हमने बनाना है, तो भाई सही टारगेट है वैसे, पिछले मैच से तो ज़्यादा ही है, क्योंकि पिछले 2 मैचों में तो मतलब कम टारगेट मिला था, तो इस बार मतलब सही मिला है, मतलब बजट का टारगेट है, तो भाई इजीली चेस कर लेंगे, आपको पता है भाई हमने 226 भी किया हुआ है चेस। ओके तो भाई आ गए हैं अपने बॉयज़ मैदान पर यार, फर्स्ट ओवर सऊदी कर रहा है, ओके तो फर्स्ट बॉल है मैच की, गुड लेंथ बॉल करवाई, ड्राइव कर दिया और भाई फर्स्ट बॉल पे 4 रन निकाल दिए यार भाई, 8 डिफ़िकल्टी पे 4 रन निकाले हैं, फर्स्ट बॉल पर गुड लेंथ बॉल करवाई थी, और आपको मैं बता दूँ कि भाई इस पर अगर हल्की सी भी टाइमिंग लेट हुई तो एज वैज निकल जाएगी। ओके तो यार चौथी बॉल है भाई साहब, साइम यूब ने क्या ड्राइव किया भाई, आइडियल टाइम में वही है फुटवर्क ओके था, लेकिन भाई 4 रन जा रहे हैं यार भाई, इस ओवर में पहले ओवर में भाई हमने दुलाई उतार दी है, तो यार आई थिंक कोई
रन हो गए हैं भाई 5 पे। ओके तो भाई साहब फिर से गुड लाइन बॉल करवाई और ये कैच यार। भाई आपको मैंने बोला था ना हल्की सी भी टाइमिंग थोड़ी सी भी लेट होगी यार या अर्ली होगी भाई कैच निकल जाएगा और ऐसे निकल गए यार विकेट दे दी है भाई। ओके तो भाई इस बार शॉर्ट लाइन बॉल करवाई थी, क्या कट शॉट खेला है भाई बाबर आजम ऑन फायर भाई, क्या कट शॉट खेला है, शॉर्ट लाइन बॉल करवाई थी भाई साहब, क्या कट शॉट खेला है, 2 ओवरों में 21 रन है, 1 विकेट दी है भाई अभी तक। ओके तो इस बार फिर से गुड लाइन बॉल और इस बार भाई लोफ्टेड कर दिया साहिब मयूब ने भाई 6 मार दिया। ओ भाई साहब फर्स्ट बॉल पे 4 आए थे और इस पे 6 भाई, 2 बॉलों पे 10 रन बना दिया यार भाई, जो रिक्वायर्ड थी 2 बॉलों पे पूरी कर दी है भाई साहब, 6 रन जा रहे हैं यार। और आपको डिफिकल्टी भाई मैं दिखा दे तू, नहीं तो काफ़ी लोग बोलेंगे भाई फिर से इजी कर लिया, तो ये देख सकते हैं भाई लेजेंड पे है, बाकी तो वही हमने आपको जो शुरू में दिखाई थी वही है डिफिकल्टी। ओके तो भाई इस बार शॉर्ट लाइन बॉल करवाई फिर कट शॉट खेला और ओके टाइमिंग पे भाई साहब कैच निकल गया यार, ये क्या हो रहा है, फिर से विकेट दे दी यार, 2 विकेट ले लिए भाई सऊदी ने यार, भाई क्या हो रहा है, ये भी कट शॉट पे विकेट गई है और देखो यार क्या कैच पकड़ा था भाई, ये तो फकर जमान आ गए हैं इस बार। ओके तो भाई फिर से गुड लाइन बॉल और कट शॉट खेला है इस बार एज नहीं इस बार, क्योंकि आइडियल टाइमिंग हुई थी, ये 4 रन जा रहे हैं भाई, 40 रन हो गए, 2 विकेट्स, विकेट्स नहीं देनी भाई, अब विकेट को थोड़ा मतलब रोकना होगा, स्लो एंड स्टडी खेलना होगा। ओके तो भाई इस बार शॉर्ट लाइन बॉल और लेग साइड पे खेल दिया है और ये गैप शॉट जा रहा है और भाई ये भी 4 रन ही जाएंगे और इसी के साथ 50 रन भाई हमारे पूरे हो गए हैं, 4 ओवर और 1 बॉल भी हमने 50 रन पूरे कर दिए लेकिन 2 विकेट्स दे दिए। ओके भाई इस बार गुड लाइन बॉल और इस बार लोफ्टेड कर दिया बाबर आजम की तरफ से भाई जा रहा है 6 रन, तो भाई कैसा प्यारा लोफ्टेड शॉट खेला था, तो भाई फुटवर्क ओके था लेकिन भाई फुटवर्क से क्या होता है जब 6 रन जा रहे हैं तो और क्या चाहिए हमें। ओके तो भाई साहब फिर से गुड लाइन बॉल और इस बार कट शॉट भाई, बाबर आजम का कट नहीं निकलता भाई आज नहीं निकल सकती क्योंकि भाई प्रो प्लेयर हैं, तो भाई कैसा कट शॉट खेला था यार भाई, ये भी 4 रन जा रहे हैं, ओ भाई क्या कट शॉट खेला है यार भाई। ओके तो इस बार शॉर्ट लाइन बॉल फिर से कट शॉट भाई, आपको बताया ना बाबर आजम का भाई आज नहीं निकल सकता, तो ये भी 4 रन जा रहे हैं भाई साहब, एक्शन शुरू हो गए भाई बाबर आजम के, कम बैक हो रहा है तो एक्शन तो बनते हैं भाई। के तो भाई इस बार गुड लाइन बॉल करो लोफ्टेड भाई, ओवर को क्या कर दिया हमने भाई साहब, मार्क हेनरी के फर्स्ट ओवर को भाई हमने मार मार उसकी क्या हालत कर दी है, 3 पे 12 और ये 6 रन जा रहा है भाई, 4 बॉलों पे 18 रन और भाई 6-7 दोबारा से डिफिकल्टी दिखा ले तो, क्योंकि इतने रन भाई हमने मार दिए, आप सोचोगे भाई सो इतने ओवर में लेजेंड डिफिकल्टी पे इतने रन तो मारने मुश्किल है लेकिन हार्ड ही है भाई। तो लास्ट बॉल है भाई साहब इस बार फिर से ड्राइव कर दिया और भाई ये 4 रन जा रहे हैं भाई, 100 ओवर में 23 रन आए हैं यार भाई, 100 ओवर में तो सही धुलाई की है भाई हमने मार्क हेनरी की यार, मुझे लग रहा है नेक्स्ट ओवर नहीं मिलेगा। ओके तो भाई साहब फिर से गुड लाइन बॉल और इस बार सोडी आ गए हैं भाई, स्पिनर को लगा दिया क्योंकि फास्ट को इतने रन पड़ रहे हैं तो भाई स्पिनर को लगाना बनता है, ये भी 4 रन जा रहे हैं भाई, 40 रन हो गए बाबर आजम के। ओके तो भाई साहब इस बार वो भाई इतना ज़्यादा वेट दिया है यार भाई, इतना वेट दोगे तो भाई 6 ही पड़ेगा, आइडियल टाइमिंग हुई है और फोकस जमान ऑन फायर भाई 6 चेक करो यार, ऐसा कमाल का भाई 6 पड़ा दो। ओके तो भाई साहब फिर से इतनी वेट पे बोल दी और फिर से लोफ्टेड कर दिया भाई, ये भी 6 रन जा रहे हैं, ओ भाई साहब ये पहले वाले से भी बेटर है यार, क्या बात है भाई 6 पड़ गया। ओके तो भाई इस बार गुड लाइन बॉल लेकिन इस बार फिर से लोफ्टेड किया, ओ भाई ओके टाइमिंग हुई थी यार, विकेट दे दी है भाई फकर जमान की, ओ भाई नीचे ही था फील्डर तो यार कैच हो गया भाई, विकेट दे दी है फकर जमान की, विकेट दे दी है भाई, बिग विकेट थी भाई आज की। ओके तो भाई आजम खान आ गए तो ये भी पावर हिटर ही है वैसे। ओके तो भाई साहब इस बार शॉर्ट लाइन बॉल करवाई थी भाई साहब, ये भी 4 रन जा रहे भाई आज तो, बाबर आजम क्या कट शॉट खेल रहे हैं भाई, और इसी के साथ 50 हो गई है भाई, 2 छक्के और 8 चौके मारे 23 बॉलों पे 50 भाई साहब, व्हाट अ कमबैक ब्रो। ओके तो भाई साहब इस बार शॉर्ट लाइन बॉल फिर से इतना ज्यादा वेट और इस बार एज निकली है और बच गए भाई, कीपर सोया हुआ था भाई कैच ही नहीं पकड़ा, ओके टाइमिंग हुई थी भाई बच गए हैं यार, वैसे कर सकता था कीपर कैच लेकिन पता नहीं ट्राई नहीं किया, ओ भाई यार एकदम हिल गए थे भाई। ओके तो भाई फिर इस बार गुड लाइन बॉल करवाई है, गुड टाइमिंग हुई है, फुटवर्क पुअर है लेकिन भाई साहब 4 रन जा रहे हैं भाई, ये भी 4 रन जाएंगे भाई, कितना जीत के करीब आ गए भाई, आपको बताया था इजीली चेस कर लेंगे। ओके तो इस बार फिर से शॉर्ट लाइन बॉल और भाई क्या शॉट खेला है भाई, चेक करते हो और भाई क्या शॉट खेला है भाई, और 57 बॉल पे 48 रन रह गए हैं भाई।
ओके तो इस बार फिर से शॉर्ट लाइन बोल रहे, इस बार लोफ्ट हिट कर दिया भाई, थोड़ा सा हटके लोफ्ट किया था भाई, क्या बात है 150 ऑलमोस्ट हो ही गए हैं भाई साहब, 41 रन चाहिए भाई, बाकी 41 रन रह गए तो रह ही क्या गया पीछे। ओके तो भाई इस बार फिर से गुड लाइन बॉल और भाई साहब फिर से सिक्स मार दिया भाई, इस मैच में तो हमने खतरनाक काम कर दिया, 160 रन हो गए भाई, अभी तक 12 ओवर भी नहीं हुए भाई, खतरनाक इनिंग खेल रहे हैं यार बाबर आजम के। तो भाई साहब इस बार शॉर्ट लाइन बॉल और ड्राइव कर दिया है भाई, ये भी 4 रन जा रहे हैं भाई, ओ भाई साहब 168 रन हो गए और पीछे 22 रन रह गए सिर्फ। ओके तो देखते हैं भाई सेंचुरी हो पाती है नहीं बाबर आजम के, तो 17 रन जीतने के लिए चाहिए भाई, 15 सेंचुरी के लिए चाहिए और फिर से लोफ्ट हिट कर दिया भाई साहब, ये भी 6 रन जा रहे हैं, इसको कोई नहीं रोक सकता भाई, इसको तो भाई कोई नहीं रोक सकता, ये जा रहे हैं 6 रन भाई, अभी कितने 11 रन चाहिए और सेंचुरी के लिए 9 रन चाहिए भाई, देखते हैं। ओके तो भाई 8 रन चाहिए जीतने के लिए और ये 6 रन जा रहे हैं, और इसी के साथ भाई जीतने के लिए 2 रन चाहिए और 1 रन चाहिए भाई सेंचुरी के लिए, तो अभी ट्राई फुल करेंगे भाई, देखते हैं, और आपको भाई डिफ़िकल्टी दिखा दूँ नहीं तो भाई आप फिर कहोगे कि इजी पे खेल रहा है, तो भाई देख सकते हैं हार्ड पे ही है भाई, क्या कमाल शॉट खेला था। अभी जीतने के लिए 2 रन चाहिए और सेंचुरी के लिए 1 चाहिए भाई, सामने आजम खान है, सिंगल लेना पड़ेगा और भाई ये ले रहे हैं, काफ़ी देर का ट्राई कर रहा था और फाइनली भाई सिंगल मिल गया यार, तो अब आई थिंक सेंचुरी के लिए है भाई, फुल चांस है सेंचुरी का, तो देखते हैं भाई कर पाते हैं नहीं। ओके तो भाई स्ट्राइक पे बाबर आजम आ गए, इतना ज़्यादा वेट दिया था, गुड टाइमिंग और भाई 6 सेंचुरी और मैच भी जीत गए भाई साहब, बैक टू सेंचुरीज मारी है भाई, कमाल यार, 7 छक्के और 12 चौके मारे, 45 बॉलों पे सेंचुरी भाई साहब, बैक टू बैक 2 सेंचुरीज भाई। ओके तो भाई सीरीज भी हम जीत गए, तो भाई एक भी नहीं जीतने दी यार उनको, 5-5 हम मैच जीते हैं भाई, वो 0 और हम 5 जीते हैं भाई साहब, पूरी सीरीज हमने एक तरफ कर दिया, लेकिन भाई असल में उल्टा हो रहा है सब कुछ, तो न्यूजीलैंड 4 जीत गई है, तो 5वें का पता नहीं, तो देखते हैं भाई कि एक ही पाकिस्तान जीत जाए रियल में गेम में, तो भाई हमने 5-5 हरा दिए हैं, तो अब देखते हैं। कोई तो शेड्यूल स्क्रीन पर तो आ गए हैं भाई, 5-5 हम T20 जीते, तो भाई स्टेटिस्टिक्स देखते हैं भाई, ये सबसे मेन है देखने का, तो भाई टॉप पे बाबर आजम, उसके बाद साइम यूब कॉनवे, उसके बाद बाकी न्यूजीलैंड के ही हैं भाई, कैन विलियमसन और फिलिप्स है, तो भाई बॉलिंग पे फैगर्सन, उसके बाद सामा मीर, भाई सामा मीर के रन कम है यार, इनको ऊपर रखना चाहिए था, लेकिन चलो यार उनको ऊपर रखा हुआ है, बाकी थर्ड पे सेंट्रल और उसके बाद मार्क हेनरी, उसके बाद भाई टॉप 5 में चलो आरिस रऊफ तो है ना भाई, 2-2 हमारे मतलब है टॉप 5 में, तो भाई काफ़ी अच्छी हमारी इनिंग चली है, आपका सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा था, तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन ऑल पर सेट कर दें, ताकि हमारी वीडियो आपको तक पहुँच सके, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं वीडियो में, गुड बाय। लगा हुआ जो लिखता हर बात पे मिलूंगा मैं, मरा हुआ नशेड़ियों के साथ में उस रात में मौजूद था जो तेरा है वजूद, बेटे नाचते हैं तेरे जैसे लड़के मेरी